हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन डिज़ायर्स। आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। आजकल टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो इस कारण से पौधे हैं वो अपनी लीव्स गिरा रहे हैं। गर्म हवाएं भी काफ़ी चल रही हैं और ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये फुल सन में हैं, तो मैं इनको जो है अभी सेटिंग चेंज करूँगी और इनको शिफ्ट कर दूँगी शेड में। मेरी अरबी भी ग्रो कर रही है और ये ग्रो बैग्स में फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं इसमें आगे हल्दी लगाऊंगी और जिमीकंद इस पर मैं ग्रो करने का ट्राई करूंगी, तो वो साथ साथ में मैं आपको वीडियोस शेयर करती जाऊंगी। ये देखिए काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो मेरे ड्राई हो गए हैं। इसमें भी कोलियस के भी लीव्स गिर गए हैं और टमाटो, चेरी टमाटो का प्लांट था वो भी जो है सूख गया है। तो काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो डल लग रहे हैं इस समय। ये बॉन्ज़ाई है और ये मेरे कैक्टस हैं। ये देखिए कैक्टस में फ्लावरिंग हो रही है छोटे से में। ये कुछ मेरे सकलेंट्स हैं तो ये मैंने शेड में रखे हुए हैं। और ये देखिए मेरी हैंगिंग बास्केट्स, इसमें भी जो पौधे हैं ऑलमोस्ट मुरझाए हुए हैं। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है, टेरेस गार्डन। तो इस समय फ्रेंड्स पौधों को बहुत बचा के रखने की ज़रूरत है। शेड में रखिए, पानी जो है वो सुबह और शाम को दीजिए जिस हिसाब से पानी ड्राई हो रहा है। और फ्रेंड्स इस टाइम पे पौधों की कटिंग और रिपॉटिंग को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको अपना बालकनी गार्डन दिखाती हूँ। ये देखिए सकलेंट ट्रे है, इसमें मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सकलेंट्स ग्रो किए हैं और ये जो है सिंडर में ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स सिंडर पर भी मैं वीडियो जल्द बनाऊँगी। तो मैंने इसको नॉर्मल सॉइल में भी ट्राई किया था, तब मेरे ये सकलेंट्स नहीं चले थे, बट सिंडर में मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आप देखिए इसके रूट्स भी निकल रही हैं, तो इस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगी। ये मेरा गार्लिक ग्रो हो रहा है और टमाटर के पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं। ये टमाटर मैं ऐसे ही कच्चे हार्वेस्ट कर लूँगी तो ये बाद में पक जाएंगे। तो तुलसी भी काफ़ी सूख रही है। ये देखिए इसमें पानी नहीं दिया, तो ये चुकंदर है, बीट रूट, तो ये इसको मैं पानी दूंगी तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। और इसको मैं थोड़े से इसके प्लांट्स रिमूव कर दूंगी। ये पालक थी, इसका सीड्स ग्रो हो रहे हैं और मैंने कुछ मल्चिंग भी कर दी है मूंगफली के छिलकों से। ये धतूरा है पर्पल कलर का, उसका फ्लावर एक ही दिन खिलता है फ्रेंड्स और उसके बाद मुरझा जाता है। और ये पुदीने का पॉट मैंने अपने दूसरे पॉट में रखा है ताकि गर्मी बहुत है तो ये इसको ठंडक मिले। इसके बाद मैं इसको ये वाले पॉट में ही शिफ्ट कर दूंगी। देन फ्रेंड्स ये चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट है, इसमें ये देखिए मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ तो ये मैंने इस पर ऐसे ही लगे छोड़ दिए हैं और इसमें और भी ग्रोथ हो रही है। छोटे छोटे जो हैं ऑरेंजेस लग रहे हैं, तो मैं जो ये पक गए हैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरे गार्डन का ओवरव्यू। ये मेरे विंटर गार्डन का सेटिंग थी ऐसे। अब मैं जो है अपने गार्डन को मैंने समर के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है, तो उस पर भी मेरी वीडियो जल्द ही आ रही है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।